मिर्जापुर से। मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। हाँ हाँ, मैं समझ गया विंध्यवासिनी से जी। एक एक बात कहना चाहूंगा। क्या काम करते हैं आप साहब? मैं तो यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये पहला अटेम्प्ट है, ये दूसरा है? पहला रहेगा अभी। ये पहला रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत जल्दी इसमें सक्सेस मिले आपको, और आपकी जो शक्ति है वो पूर्णता इसमें लगे जी। एक बात कहना चाहूंगा, इतनी देर से लड़ रहे हैं राम के लिए, ये पथ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। 22 को आइए अयोध्या में, अर्जी लगाइए। अगर 24, 26, 27, 28 का भी सरकार बनानी है, उन्हीं के रहमत से सरकार बनने वाली है, अन्यथा भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो किसी काम का है नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आस्थावान आदमी है। हाँ जी, देखिए जी, आस्था का और यूपीएससी का संगम रहेगा तभी तो वहां तक पहुंच। मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है, ये देश का वो एग्जाम है जिसमें बड़े बड़े लोग निराश हो जाते हैं बीच में। हाँ, तो हमारे क्या 125 करोड़ इंस्पिरेशन कहीं से मिले? मुझसे अक्सर लोग पूछते, वहां खड़े हुए थे, वो अभी खड़े हुए हैं सामने, मुझसे बोले कि एक बात बताइए, आपको कहां से इंस्पिरेशन मिलती है, एनर्जी आती कहां से? मैंने कहा मुझे आपको देख के आती है। ऐसा नहीं है कि मैं श्रद्धावान व्यक्ति नहीं हूं, मुझे बिल्कुल, मेरे आराध्य भी वही हैं जिनका ये बात कह रहे थे, मेरे इष्ट वही हैं। और वो तो मैं कहता हूं अक्सर कि लोकनायक हैं इस देश के, अगर कोई पुरुष है जिससे से हम सारे लोग जुड़े हैं वो वही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं दो राय हो ही नहीं सकती, पुरखा है हमारा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है किसी को। हाँ, अब सवाल ये होता है कि राजनीति में जब चले जाते हैं लोग खींचने लगते हैं, तब बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, तो वो कहाँ से आए, कैसे आए, इधर आए, तो बहुत सारे। संशय मत करिए, आस्था के साथ जुड़े रहिए। मैं जानता हूँ, जानता हूँ जी। बाबूजी आपसे तो रोज पूछता हूँ, आज छोड़ दीजिए। आपने मेरी जिंदगी में पहली बार कल पूछा था या मैंने आज जवाब दे रहा हूँ आपको? तो देखिए, रोज रोज लॉटरी निकल रही है आपकी। ये तो आपकी, आप बोलिए। अच्छा बोलिए, मेहरबानी। मैं ये कहता हूँ कि देखो, जो राम राज्य आ रहा है उसको आने दीजिए। आ रहा है, बड़े जमाने बाद तो आया है। बड़े जमाने बाद आया है, मैंने डिबेट में पूछ नहीं पाया था इनसे, मैं पूछ लेता हूँ जी। आ जाऊंगा मैं, आप ही के लिए शो करता हूँ। और नीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सेकंड आप में जुड़ रही है जी। हाँ जी, मैं जरूर। हाँ पाठक जी, देखिए पूरा जो वातावरण है राम में है, तो मैं कहूंगा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पहले, सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई, क्योंकि यह मंगल हो रहा है हमारे देश में चारों तरफ। L1 जो है वो लैंग्वेज पॉइंट पे पहुंच चुका है। दूसरी बात अब पॉलिटिक्स की करता हूं। देखिए, जब यूपीए का शासन काल था तो उस समय भी ईडी ने 112 रेड मारे थे और 5000 ऊपर से जो संपत्ति थी उसको जब्त किया था। और जब ये एनडीए का शासन आया है बीजेपी का 2014 के बाद से, तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर का जो देश के उन गरीबों की संपत्ति है वो जब्त की गई है, काले धन। और तो क्या ये काले धन जो देश की संपत्ति है जब्त नहीं होनी चाहिए? क्या ईडी ने जब 112 रेड मारे थे कांग्रेस के समय, तो वो क्या पॉलिटिक्स के बसीभूत होके मारे गए थे क्या? आज बिल्कुल पाठक जी, आपका कभी कभी बहुत धीरे से कह देने से बात बन जाती है। आपने अपने बात मैसेज कह दिया जी भैया। 10 सेकंड और। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी इतनी मोटी फाइल लेके चलते थे हेमंत सोरेन के खिलाफ, शरद पवार जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी लालू यादव के खिलाफ, कहां गई वो फाइल? वो फाइल अब क्यों नहीं निकल रही है? जवाब आप देंगे समाजवादी? और ये नहीं देंगे जवाब? और कांग्रेस क्यों नहीं देगी जवाब? तो पहले तो हक तो कांग्रेस का है कि नहीं, पहले तय करो कौन किसका में आया जी। जल्दी बोलो कहाँ से आना हुआ? हम सर, मेरा सर घर बिहार हुआ। बिहार में कहाँ हुआ? बिहार में मुंगेर सर। अरे बहुत बढ़िया शॉल पहने हुए यार तुम सर, ठंडा नहीं लग रहा? नहीं ठंडा नहीं लग। उनसे मेरा क्या काम करते हो? हम सर स्टूडेंट हैं। देखो तुम्हें पता नहीं अपनी बात कहने का है, और मुझे तुम्हारे बारे में जिज्ञासा हो रही थी। बोलो। अच्छा
सर मेरा बात है कि अभी 3 रेपिस्ट IIT BHU में जो बीजेपी के IT सेल के मेंबर थे उनके बारे में भी उनसे राय लीजिए, उनके बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। रेड चुनाव का 2-3 महीना बना है, पूरा भारत वर्ष में एकदम रेड परेड रेड परेड रेड परेड हो रहा है। क्या IIT BHU वाले जो रेपिस्ट थे IIT कैंपस के अंदर, 3 हमारी बहन बेटियों के साथ जो मतलब रेप किया गया, तो उनके बारे में बीजेपी वाले मुक्त ने 2-3 महीनों से सब कुछ जानते हुए भी वो सब का गिरफ्तारी नहीं। मुझे मालूम है, इसको बोलने का पूरा हक दिया है, बोलने दे दीजिए इसको मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ। जी एक बात मैं कहता हूँ, जिस दिन वो हुआ उसके दूसरे ही दिन मैंने कहा कि उनके ऊपर कठोरतम से भी अगर ऊपर की कोई, हालांकि अपराध तो है जो मैक्सिमम होता है उसमें जो मिनिमम भी होता है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। वो मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए कि वो लोक जीवन में आना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ते थे, लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन वो थे तो नेता। इसलिए दोहरा विश्वासघात है, दोहरा विश्वासघात है, इसलिए कठोरतम से कठोरतम सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं, आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम आप पे विश्वास करते हैं, हम आपके पास विश्वास के साथ आए, आप हमारे साथ विश्वासघात करें तो दोहरा होना चाहिए। इसमें बिल्कुल कहीं से भी कोई लचीलापन नहीं, कहीं कोई लचीलापन नहीं। जी प्रतीक जी आपने बिल्कुल सही कहा है, और अभी राम में हुआ है सारा माहौल, राम राज्य में शायद ऐसा नहीं होता होगा, अब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता मिलता है उस पर बुलडोजर नहीं चलता। हाले आया जी, मैं आया। देखिए बहुत संजीदगी के साथ इस पे पहले भी मैं कह चुका हूँ, और वो भाई तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी मुंगेर से ही है। आपकी तो मुंगेर ही है। हाँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसको उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, जेल में है, स्पीडी ट्रायल भी चलेगा। और जो आपने कहा, और जो इस देश की जनता चाहती है, किसी भी बलात्कारी के लिए वो सजा भी मिलेगी। हम किसी को बचाते नहीं है, ये स्पष्ट तौर पे। दूसरी बात, बीच में मत चिल्लाइए प्रतीक जी, क्या बदतमीजी है, आप अपने जगह चले जाइए अपने। प्रतीक जी बोलेंगे, लेट हिम रिस्पॉन्ड, अगला सवाल कर लीजिएगा। बुलडोजर भाई बताए प्रतीक जी, अगर अगला सवाल कर लीजिएगा। मैं इनको एक बात कह दूं, चूंकि मैं भी आक्रोशित हूं उस घटना से, ये राजनीति करने भले आ गए यहां, लेकिन उस पर हमने काम करके दिखाया। मैं 3 बातों का जिक्र करता हूं जो ब्रेक से पहले रह गया था। एक हमारे समाजवादी भाई ने कहा कि ये सुन लीजिए प्रतीक जी, अगर गंभीरता से आप मुझे 10-20 सेकंड सुनिएगा, सुनिए, नहीं तो मैं चुप रहने में विश्वास करता हूं। आप चुप क्यों रहेंगे, आपको चुनाव लड़ना है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि भाजपा वालों के ऊपर क्यों नहीं ईडी CBI कार्रवाई करती है। मैं पूछता हूं, अभी कर्नाटक में ताजा हमारी सरकार गई ना, 40% का आरोप लगाया करते थे, इतने महीनों में कितनी कार्रवाई कर दी, किसके ऊपर आरोप लगाया, किसके ऊपर केस हुई, क्यों नहीं उनकी राज्य की एजेंसियां जांच करती है। अरे भाई, जहां आग होगा वहीं धुआं उठेगा, चोरी करोगे तो पकड़े भी जाओगे, क्योंकि मोदी सरकार का, मोदी जी का कमिटमेंट है देश के नेताओं के प्रति, नहीं जनता के प्रति। और एक चीज कह दूं, कांग्रेस का दुर्भाग्यजनक स्थिति देखिए, कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट में आकर अपने नेता प्रतिपक्ष को झुठला देता है। अजय वो अधीर रंजन चौधरी कौन है, मैं जो कह रहा हूँ वो ज्यादा सही है। तीसरी बात, इन्होंने प्रतीकों की राजनीति शुरू से की है। पहले भी हमारा 11 अशोक रोड दफ्तर हुआ करता था, इनका 24 अकबर रोड, आपको याद दिला दूं, इसी दीनदयाल उपाध्याय रोड पर कांग्रेस का आलिशान बंगला, आलिशान कार्यालय बनकर तैयार है। परसेप्शन की लड़ाई के लिए उसका उद्घाटन नहीं करेंगे, क्योंकि 138 रुपये के चंदे से ब्लैक से व्हाइट का खेल कैसे। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, मेहुल चौकसी के बारे में देश जानता है, कहां चला गया विजय माल्या, कहां चला गया ये लोग, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों पे कोई प्रेज नहीं। जी नीति, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने खाए हलक में डाल के निकालूंगा, ये है नरेंद्र मोदी। आपके घरों से पैसा निकल रहा, आप ईडी के संबंध का सम्मान नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं छोटे बच्चों की तरह आप लड़ते हैं, आपको शराब नहीं। बताइए कौन सा पैसा निकला, 2 साल हो गया, एक भी बताइए, एक आपके साथ ही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहने वाले अजीत पवार के यहाँ से क्यों नहीं पैसा निकलवाया अलग से, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो उनको पैसा निकलवाना चाहिए। आपके साहू के यहाँ से करोड़ों रुपए निकले, आज आप ईडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे आपके पास अब सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो आपके सरकारी एजेंसियों को अटैक करेंगे।
बीजेपी वाले ईमानदारी की चादर ओढ़ के भ्रष्टाचार का घी पी रहे हैं और इनका वही है कि अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ तो बुकलेट बना दी थी। बताइए क्या किया? मैं पहले आप बताइए, जो खनन घोटाला करके अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं उसकी भी जांच होने वाली है। चिंता मत करिए, ये जितने घोटाले बाज है ये सब अंदर जाएंगे। 60 साल तक इन लोगों ने एक एक देशवासियों का खून चूसा है, आज नंबर आ रहा है तो ईडी चिल्ला रहे हैं, यही है नया भारत। अब इस देश में भ्रष्टाचार नंबर आएगा, सरकार जनता यही जनता इनको सबक सिखाएगी। लगातार विपक्ष पर ये हमला कर रहे हैं ना, जनता यही एक लाइन। मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी वाले बहुत चिल्ला रहे हैं इस डिबेट में भी, सिसोदिया मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बेल भाजपा दफ्तर ने रोक रखी है या इस देश की अदालत ने रोक रखी है?